हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है देखिए ज़रा ध्यान से, सिंपलीफाई करना है हमें। ऊपर वाला भी सिंपलीफाई था, नीचे वाला भी सिंपलीफाई है। फ़र्क क्या है, ऊपर वाले में सब पॉजिटिव नंबर्स है उनकी पावर है, और जो नीचे वाले के अंदर नेगेटिव नंबर की पावर्स है, राइट। तो इसमें नेगेटिव नंबर की पावर का कॉन्सेप्ट और हमें ध्यान से अच्छे से देखना है और फिर इसे करना है। तो चलिए करते हैं। -4 की पावर 3, तो इसका मतलब हुआ -4 × -4 × -4। तो पहले माइनस को सोल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, -64। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस की पावर ओड हो गई और 4 × 4 × 4, और माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस आता है, और माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस आता है, नहीं तो कम वैल्यूज है, कम नंबर है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन इससे माइनस आ गया और इससे 64 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, -3 × -2 raised to power 3, -3 − -2 3 times, -2 − -2 and −2। माइनस माइनस चार बार आ गया ना, काउंट करके देखो, चार बार है, इवन नंबर है 4, इसका मतलब ये प्लस बन जाएगा, और अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स बनता तो हम माइनस कर देते, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 24 आंसर। तो माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक एक चीज आ भी जाए और धीरे धीरे आए, क्योंकि एकदम से कई चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ भी नहीं आता और हम कोई भी कर नहीं पाते। तो एक्सरसाइज के अंदर एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन में लेकर के आए हैं ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझें। तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। दिमाग अगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो आप एक से ज़्यादा टॉपिक, एक से ज़्यादा सम्स के टाइप को कर लीजिए, 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप एक टाइम में 3 टाइप के सम्स कीजिए, और उसको अच्छे से एब्जॉर्ब जब दिमाग में हो जाए तो फिर आगे नेक्स्ट लेवल पर पहुँचिए। कई सारी चीज़ें एक साथ करने पर खिचड़ी सी पक जाती है और दिमाग उसी हिसाब से अडेप्टेड होता नहीं है, और फिर समझ में आता नहीं है, और फिर कहते हैं छोड़ो ना, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो डीमोटिवेट नहीं होना, थोड़ा थोड़ा कीजिए और आप डेफिनेटली फिर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग उस चीज़ को फिर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, एक जानकारी के तरीके से डिस्टिंग्यूश भी कर पाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। -3 2 बार करेंगे, -5 2 बार करेंगे, तो कितनी बार हो गया माइनस, 4 बार, तो ये तो प्लस बन गया, और 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 को 5 से करेंगे, 5 × 5 = 20, 22 × 22 = 225। अगेन चेक कर लेते हैं, 3 − 3 2 बार लिखा, -5 2 बार लिखा, 4 बार माइनस है तो प्लस हो गया, 3 × 9 = 45, 45 × 5 = 225, ठीक है आंसर। अब फोर्थ, -2 raised to power 3 − 10 raised to power 3, तो -2 3 बार, -2 × -2 × -2 − 10 × −10 × −10,
तो कितनी बार हो गया माइनस, 6 बार हो गया ना, 3 बार 3 टाइम्स यहाँ पर है, 3 टाइम्स यहाँ पर है, 3 + 3 = 6, तो ये बन गया प्लस। अब 2 2 = 4, 2 = 8 और 3 0 पीछे आ जाएगी आंसर। समझ में आया? तो वन बाय वन देख लीजिए इसको। चलो ये तो सारे एक ही व्यू में आ गया। 7 के 4 पार्ट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।